Hello children, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. I'm Omesh Sandra. I'm going to teach lesson number 6. The name of the lesson is Shelter. This is of class 3rd EVS Environmental Study. The name of the book is Love Your Nature. शेल्टर यानी शरण, और हम शरण कहाँ लेते हैं, मकान के अंदर लेते हैं, घर के अंदर लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ जो हाउसेज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। लॉन्ग एगो, बहुत पहले, मैन लिव्ड इन केव्स, आदमी गुफाओं में रहते थे। देन ही बिगेन टू बिल्ड हाउसेज, फिर उसने मकान बनाने शुरू कर दिए। वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन, हम सभी को मकान की ज़रूरत होती है उसके अंदर रहने के लिए। अर्ली मैन यूज्ड वुड, स्टोन, स्ट्रॉ एंड मड टू बिल्ड अ हाउस। शुरुआत में व्यक्ति ने यूज़ किया वुड, स्टोन, स्ट्रॉ एंड मड मकान बनाने के लिए। आवर हाउस इज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, स्टॉर्म, विल्ड एनिमल्स, थीव्स, ऑफ हीट एंड कोल्ड। और हमारे जो मकान है हमें प्रोटेक्ट करते हैं रेन से, बरसात से, स्टॉर्म से, विल्ड एनिमल्स से, थीव से, स्नो से, बर्फ़ से, हीट से और कोल्ड से। आवर हाउस में भी बिग और स्मॉल, हमारा मकान बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अ हट, एक झोपड़ी भी हो सकती है। अ बंगलो, बंगलो भी हो सकता है। और ए फ्लैट, या फिर एक फ्लैट हो सकता है। इन ए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, किसी बहुमंजिल इमारत के अंदर। टाइप्स ऑफ शेल्टर्स, शेल्टर्स के प्रकार। पीपल लिव इन डिफरेंट रीजन्स और कंट्रीज हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस। लोग अलग अलग क्षेत्र में जो रह रहे होते हैं, अलग अलग देशों में जो रह रहे होते हैं, उनके अलग अलग तरह के मकान होते हैं। द टाइप्स ऑफ हाउसेस डिपेंड ऑन द फॉलोइंग, और घरों के जो मकान के जो प्रकार हैं वो निम्नलिखित बातों पर डिपेंड करते हैं। वेदर कंडीशन, पहली बात कि वहाँ का वेदर कैसा है, मौसम कैसा रहता है। अवेलेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, और वहाँ किस तरह का बिल्डिंग मटेरियल आसानी से मिल जाता है। आवर रिक्वायरमेंट्स, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इन बातों पर डिपेंड करता है हमारा मकान। दीज थ्री फैक्टर्स इफेक्ट द मेकिंग ऑफ अ हाउस और शेल्टर, किसी मकान के बनाने में इन फैक्टर्स का पूरा पूरा जो है योगदान रहता है। Now we will read about different type of shelters in different landscapes. हम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के घरों के बारे में अब स्टडी करेंगे। पहला है हाउस इन हिली एरियाज, पहाड़ी क्षेत्र में जो मकान होते हैं कैसे होते हैं। As we know, जैसे कि हम जानते हैं, hilly areas, पहाड़ी क्षेत्र experience a lot of snowfall during the winter. हिली एरियाज़ में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है विंटर सीजन में। दस हाउसेज इन हिली रीजन्स, इसलिए घर जो कि पहाड़ी क्षेत्र में बने होते हैं हैव स्लोपिंग रूफ्स, उनकी छत स्लोपिंग होती है, स्लोप वाली होती है, सो दैट द स्नो कैन स्लाइड डाउन ईजली, ताकि उनकी छत से जो स्नो है वो आराम से नीचे ढल जाए। एंड डज नॉट कलेक्ट ऑन द टॉप ऑफ द रूफ्स, और छत घर की छत पर इकट्ठी ना हो। हाउस इज़ इन रेनी एरियाज, बरसात के मौसम के जो मकान हैं जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ के मकान कैसे होते हैं। इन द रीज़न विच एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल, उन क्षेत्रों में जहाँ बहुत ज़्यादा बरसात होती है। द हाउस इज़ हैव स्लोपिंग रूफ्स, उनकी भी छत स्लोपिंग होती है। एंड कर्व्ड रूफ्स, और कर्व रूफ होती है कर्व के आकार में, विच अलाउ द वाटर टू फ्लो डाउन क्विकली, जो जिससे कि जल्दी से पानी ऊपर से नीचे बह जाए। इन विच टाइप ऑफ हाउस डू यू लिव, आप किस तरह के घर में रहते हैं, आपको लिखना है। इन विच एरिया इट इज लोकेटेड, किस क्षेत्र में आपका घर है। हाउसेज इन कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज में मकान कैसे बनाए जाते हैं। इन कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज में फिशरमैन लिव इन टेम्प्रेरी हाउसेस, जो मछुआरे हैं वो टेम्प्रेरी हाउस के अंदर रहते हैं। दे डू नॉट हैव परमानेंट हाउस, उनका मकान परमानेंट नहीं होता। इफ़ द बिग सी वेव्स डैमेज द हाउस, यदि बड़े समुद्र की जो वेव्स हैं अगर घर को नुकसान पहुंचा देती हैं, दे कैन बी बिल्ट ईजली बिल्ट अगैन, तो वो आसानी से दोबारा बनाए जा सकते हैं। यानी वो जो मकान है वो ऐसे बनाते हैं जो आसानी से दोबारा से बनाए जा सकें।
पीपल लिविंग अराउंड लेक्स, और वो लोग जो झीलों के आसपास रहते हैं, मेक देयर हाउसेस ऑन बोट्स, वो अपने मकान बोट के ऊपर बना लेते हैं। सच हाउसेज आर कॉल्ड हाउस बोट्स, ऐसे मकानों को हाउस बोट कहा जाता है। हाउस बोट्स इन डल लेक, जैसे श्रीनगर में, कश्मीर में डल लेक के अंदर हाउस बोट्स बनी होती हैं, आर द प्लेसेस ऑफ ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन, ऐसे जगह बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए होती हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं। हाउस इन एरिया प्रॉन टू फ्लड, ऐसे जगह मकान जहाँ बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। द प्लेसेस नियर रिवर्स ऑफन गेट फ्लडेड ड्यू टू हैवी रेन्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के महीनों में नदियाँ बहुत ज़्यादा उफान पर रहती हैं, प्राय उफान पर हो जाती हैं। समटाइम्स कभी कभी द फ्लड वाटर ऑल्सो एंटर्स द हाउसेज, और कभी कभी जो फ्लड का जो पानी है, बाढ़ का पानी, घरों के अंदर भी चला जाता है। एंड कॉजेज ए लॉट ऑफ डैमेज, और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। सो टू प्रोटेक्ट देमसेल्व एंड देयर हाउसेज, इसलिए अपने आप को और अपने घर को बचाने के लिए, पीपल मेक हाउसेज ऑन स्टिल्ट्स, लोग जो हैं स्टिल्ट्स के ऊपर हाउस बना लेते हैं, मकान बना लेते हैं, यानी नीचे से पाए लगा करके उसके ऊपर मकान बना लेते हैं। दिस टाइप ऑफ हाउस स्टैंड्स ऑन थिक वुडन पोल्स, इस तरह का मकान मोटे मोटे लकड़ी के पोल्स के ऊपर खड़ा होता है। हाउसेस इन एरियाज प्रोन टू अर्थक्वेक, ऐसी जगह मकान बनाना जहाँ अर्थक्वेक आते रहते हैं, यानी अर्थक्वेक यानी कि आपके जो अर्थ के जो झटके लगते हैं, है ना, ऐसी जगह मकान किस तरह के होते हैं जहाँ पर पृथ्वी के क्वेक आते रहते हैं। सम पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड फेस फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स थ्रू आउट द ईयर, कुछ हिस्सों में इस दुनिया के बहुत जल्दी जल्दी अर्थक्वेक आते रहते हैं। अर्थक्वेक कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू द परमानेंट हाउसेज, और अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा डैमेज कर देते हैं परमानेंट जो घर बने होते हैं उनको। दस पीपल इन दीज एरियाज, इसलिए लोग इन क्षेत्रों में, स्पेशली इन जापान, स्पेशली जापान के अंदर, मेक हाउसेज ऑन वुड, ऑफ वुड, वो लकड़ी के ही मकान बनाते हैं, एंड अदर लाइट मटेरियल्स, या फिर दूसरे कुछ लाइट मटेरियल्स से मकान बनाते हैं। दीज हाउसेज डू नॉट कोलैप्स ईजली इन द अर्थक्वेक, और ये घर, ये मकान आसानी से नहीं कोलैप्स होते, आसानी से नहीं गिरते हैं अर्थक्वेक में, भूकंप में। इवन इफ दे कोलैप्स, और यदि वो कोलैप्स भी हो जाएँ, गिर भी जाएँ, ढह भी जाएँ, द डैमेज ऑफ एंड लॉस ऑफ लाइफ इज मच लेस, तो डैमेज या फिर जीवन का लॉस बहुत कम होता है, क्योंकि वो खुद ऐसे मटेरियल से बने होते हैं जो हल्के होते हैं। हाउसेज इन डेजर्ट एरियाज, और ऐसी जगह मकान, अब वो मकान जो कि डेजर्ट एरिया में यानी रेगिस्तान में बने होते हैं, वो कैसे होते हैं। पीपल लिविंग इन डेजर्ट आर मोस्टली नोमाड्स, पीपल लिविंग इन डेजर्ट्स आर मोस्टली नोमाड्स, पीपल जो रहते हैं डेजर्ट के अंदर आर मोस्टली, अधिकतर होते हैं नोमाड्स। दे डू नॉट लिव वन प्लेस परमानेंटली, वो कभी एक स्थान पर नहीं रहते परमानेंट तरीके से। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, वो एक जगह से दूसरी जगह पानी और भोजन की तलाश में अपना घूमते रहते हैं। दस दे लिव इन हाउसेज मेड ऑफ टेंट्स, इसलिए वो ऐसे मकान में रहते हैं जो कि टेंट के बने होते हैं। कैन यू नेम द स्टेट विच हैज़ अ डेजर्ट एरिया, क्या आप उस स्टेट का नाम यहाँ लिख सकते हो, बता सकते हो, जिसमें बहुत ज़्यादा रेगिस्तान है, डेजर्ट एरिया है। हाउसेज इन द नॉर्थ पोल्स, नॉर्थ पोल पर, पृथ्वी के नॉर्थ पोल पर जो हाउस होते हैं वो कैसे होते हैं। इन द आर्टिक रीजन, ऐसी जगह, आर्टिक रीजन नॉर्थ पोल, अलोंग द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल के आर्टिक रीजन में, यानी जहाँ बर्फ ही बर्फ रहती है, द एस्किमोस लिव इन इग्लूज, तो एस्किमोस जो है वो इग्लूज में रहते हैं। हाउसेस मेड ऑफ स्नो, जो कि एक ऐसा मकान होता है जो बर्फ से बना हुआ होता है। एन इग्लू प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कोल्ड
और ये इग्लू जो हैं वो प्रोटेक्शन देते हैं ठंड के विरुद्ध, यानी ठंड से बचाते हैं। बिकॉज इट इज़ लाइंड फ्रॉम इनसाइड विद एनिमल स्किन, क्योंकि इसको अंदर से एनिमल की स्किन से लाइन किया गया होता है, यानी एनिमल स्किन लगाई होती है। एनिमल फैट इज़ बॉन्ड इनसाइड द इग्लू, और इग्लू के अंदर एनिमल्स की, पशुओं की जो फैट होती है, चर्बी होती है, वो जलाई जाती है टू कीप द इंटीरियर वार्म, अंदर से गर्म रखने के लिए। यानी एनिमल्स की जो चर्बी होती है, फैट होती है, उसका उसको जलाते हैं इग्लू के अंदर, जिससे अंदर गर्मी बनी रहे। हाउसेज इन विलेजेज एंड सिटीज़, मकान विलेजेज में और शहरों में। इन विलेजेज मैनी हाउसेज आर स्टिल मेड ऑफ वुड एंड स्टोन्स, आज भी गांवों में बहुत सारे मकान लकड़ी के और स्टोन्स के, स्ट्रॉ के और मड के बने होते हैं। दे आर कॉल्ड कच्चा हाउस, इन्हें कच्चा मकान कहते हैं। द हाउसेज इन टाउन्स एंड सिटीज आर पक्का हाउसेज, और शहर में जो बने हुए मकान होते हैं उन्हें पक्का हुआ हाउस कहते हैं। मेड ऑफ सीमेंट, जो कि सीमेंट से, ब्रिक से, स्टील से बने होते हैं। दे आर वेल पेंटेड हाउस, और उनको बहुत अच्छी तरीके से पेंट भी किया गया होता है। हैव यू एवर विजिटेड अ विलेज, क्या कभी आप किसी ने कोई सा गांव देखा है, और देखा है तो आप उसके बारे में लिखें, उसका नाम लिखें। डिड यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंसेस बिटवीन द हाउसेज इन द विलेज एंड द सिटी, क्या आपने गांव के मकान और शहर के मकानों में कुछ अंतर देखा है, देखा है तो उसे आप इसमें मेंशन करेंगे। इन बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज वेयर देर इज़ ए लार्ज पॉपुलेशन, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, यानी बहुत बड़े शहर में जहां बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, एंड बिल्डिंग्स मटेरियल लाइक ब्रिक्स, और बिल्डिंग मटेरियल जैसे कि ब्रिक है, सीमेंट है, स्टील है, एट्सेट्रा, इजीली अवेलेबल, आसानी से मिल जाते हैं। देयर आर मैनी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग नॉन एज स्काई स्कैपर्स, तो वहाँ बहुत ज़्यादा मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग होती है, बहुमंजिली इमारतें होती हैं, जिन्हें स्काई स्कैपर्स बोलते हैं, गगनचुंबी इमारत बोलते हैं, स्काई स्कैपर्स बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ एक हमारे पास एक वर्ड आया है, स्काई स्क्रैपर्स, गगनचुंबी इमारतें, इसे याद रखना। अ गुड शेल्टर, एक अच्छी जो शेल्टर होती है उसकी क्या क्या क्वालिटी होती है। मैनी थिंग्स आर नीडेड टू मेक अ शेल्टर कम्फर्टेबल, बहुत बातों की, चीज़ों की ज़रूरत होती है किसी भी शरण को, मकान को कम्फर्टेबल बनाने के लिए, सेफ और सेफ बनाने के लिए, एंड हेल्दी प्लेस टू लिव इन, और एक अच्छा यानी हेल्दी, स्वास्थ्य के लिए अच्छा स्थान रहने के लिए, योग्य बनाने के लिए बहुत सारी बातों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले देयर शुड बी एनफ विंडोज, पर्याप्त मात्रा में विंडो होनी चाहिए, एंड वेंटिलेटर्स होने चाहिए, एज सनलाइट किल्स जर्म्स, क्योंकि जो सनलाइट है वो जर्म्स को ख़त्म कर देती है। तो मकान के अंदर वेंटिलेटर होने चाहिए, विंडोज होने चाहिए, ताकि अंदर तक रोशनी जाए, सनलाइट, जिससे जर्म्स ख़त्म हो जाए। टू अलाउ वाटर टू फ्लो आउट ईजली, और मकान में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि पानी बाहर आराम से निकल जाए। द फ्लोर्स ऑफ द किचन एंड बाथरूम शुड बी स्लॉब्ड, बाथरूम के और किचन के जो फ्लोर हैं, फर्श हैं, वो स्लॉब्ड होने चाहिए, यानी पानी उससे ना रुके वहाँ पर। डोर्स एंड विंडोज शुड हैव वायरी नेटिंग टू कीप अवे काइट्स, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, और दरवाजे और विंडो वो ऐसे वायर नेटिंग होने चाहिए कि उससे मॉस्किटो और फ्लाइज, मक्खियाँ अंदर ना आए। देयर शुड बी सम ओपन स्पेस लाइक ए वरांदा और ए कॉर्टयार्ड, मकान के अंदर थोड़ा ओपन स्पेस भी होना चाहिए, जैसे वरांदा या कॉर्टयार्ड, जहाँ आदमी आराम से थोड़ी बहुत देर बैठ सके। A carefully built house should have a proper drainage system to carry dirty water away from the house, और एक अच्छे से बनाए हुए मकान के अंदर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, ड्रेन सिस्टम होना चाहिए, जिससे गंदा पानी घर से बाहर आराम से निकाला जा सके। तो ये तमाम बातें एक अच्छे मकान में होती हैं, अच्छे शेल्टर में होती हैं, और इस चैप्टर में हमने पढ़ा
डिफरेंट डिफरेंट जगह में कैसे कैसे मकान बनाए जाते हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी. रीड दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन.